वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स, जो कि एक लर्निंग चैनल है जहां पे आपको बहुत ही बेहतरीन शेयर्स जो है मल्टीबैगर शेयर्स के लेवल्स हम प्रोवाइड करते हैं। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, वीकली एनालिसिस, डेली एनालिसिस वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं। स्विंग स्टॉक, स्विंग के लिए जो स्टॉक्स होते हैं उसका एनालिसिस या उसके लेवल जो होते हैं इम्पोर्टेंट लेवल्स, हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो मैंने ट्राइडेंट का एनालिसिस वीडियो अपलोड किया था एक दो दिन पहले। तो अपलोड करने के दूसरे दिन ही अगर देखेंगे आप तो इसमें 8% का जंप देखने मिला है। हैप्पीएस्ट माइंड का मैंने एनालिसिस वीडियो बनाया था कि कौन से आपको बाइंग के लेवल्स होने वाले। सोना कॉम्स का मैंने अभी फ़िलहाल एक कल ही अपलोड किया हुआ है वीडियो। उसके बाद अगर देखेंगे तो IEX और मरीन इलेक्ट्रिकल्स जो है इसके भी मैंने एनालिसिस वीडियो डाले हुए हैं। और हम जो है लाइव मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल जो होते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं बाइंग, और आप कहाँ पे कर सकते हैं उसके लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हो या ये वीडियो जो है आप पहली बार अगर देख रहे हो तो चैनल से जुड़ सकते हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये अगर देखेंगे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे देखिए मैंने 5 जनवरी को ये वीडियो में टेलीग्राम पे अपलोड किया था जिसका एनालिसिस मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कब बनाया था और उसका तारीख भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है वीडियो में। तो इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें एक ही दिन में, जब भी मैंने एनालिसिस वीडियो बनाया उसके एक या दो दिन बाद ही ये शेयर ने जो है 8% का जंप लगाया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये वाला जो मैंने वीडियो बनाया था मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ एक बार। तो इसने हमें काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न दिया है। ये बंदा खोलना शुरू करे सिर्फ 25 सेकंड में, इसका स्प्रे दांत की अंदरूनी सूजन घटाना शुरू करे सिर्फ 25 सेकंड में। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, इतना आसान। स्मार्ट बनो और ट्रिविन करो। ऐड आ रहा है इसमें, एक मिनट। स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद जस्ट 1 लाख एंड यू कुड जनरेट रिटर्न्स बिटवीन 10-18% विद। देखो ये वाला वीडियो मैंने बनाया हुआ था, ये एनालिसिस वीडियो है ट्राइडेंट का। यहाँ पे अगर देखेंगे फ्रेंड्स, देखो 4 तारीख को मैंने ये वाला वीडियो बनाया था और आज 6 तारीख है, तो कल ही 5 तारीख था। तो कल ही इसने 8% का जंप लगाया, मैंने जो बाइंग लेवल दिया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 तारीख को ही मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया हुआ था। तो चलिए आज मैं आपके लिए एक शेयर लाया हूँ, BCL इंडस्ट्रीज जो है, ये वाला शेयर जो है इसका मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है और अभी आप कब बाय कर सकते हो। तो अगर इसको अगर देखेंगे, ये मंथली कैंडल मैंने लगाया हुआ है, ये वाला जो है इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था जो कि 53 का जो लेवल है, ये वाला इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था। तो इसको इसने ब्रेक कर दिया है और इसके बाद में ये अपर साइड मूवमेंट कर रहा है, तो हमें वेट करना है इसका एक डिप आने तक। तो मैं कौन से लेवल होने वाला है वो आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे वॉल्यूम का अगर कंफर्मेशन ले तो वॉल्यूम भी एक अच्छा, काफ़ी अच्छा यहाँ पे तगड़ा वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है। और लगातार जो है मार्केट 3 महीने से हायर हाई बनाते जा रहा है। तो एक बार हम वीकली में देख लेते हैं। तो वीकली में अगर देखेंगे तो देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस पॉइंट था मार्केट का, शेयर का ये वाला जो रेजिस्टेंस था जो कि 2022 से था मार्च से, तो इसका कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट हो चुका है। और यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल जो है काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल हमें देख रही है, दिखने मिल रही है वॉल्यूम के साथ में। और इसका रिटेस्ट भी हो चुका है और ये अभी अपर साइड का मोमेंटम कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे हम बाय कहाँ पे करेंगे, ये कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है बाइंग का, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला जो है इसका बाइंग लेवल होने वाला है 63 रुपीज़ से लेके, ये वाला एक बाइंग लेवल होगा इसका 68 का। ये दो आपका बाइंग लेवल होने वाला है। आपको इसको यहाँ पे तुरंत ऊपर की साइड में बाय नहीं करना है, इसको रिटेस्ट करने के लिए जब फिर से आएगा प्राइस तो आप बाय कर सकते हो डिप पे।
क्योंकि डिप पे बाय करना ये समझदारी होगी, क्योंकि ऊपर की साइड में अगर आप लेते हो तो फंस सकते हो वहाँ पे। अगर उसके बाद में कोई डिप अगर आपको यहाँ पे यहाँ तक अगर डिप कोई मिल जाता है 58 तक, 58 से लेके 59 जो प्राइस है यहाँ पे, अगर कहीं पे आपको ये इसमें डिप मिलता है तो आप इसे बाय कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा लेवल होगा जो आप डिप में बाय करेंगे। अगर आप यहाँ पे हाई पे अगर कोई बाय करना चाहते हो तो आधा क्वांटिटी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा लेवल है ये, 75 रुपीज़, 70 से लेके 75 रुपीज़, यहाँ पे आधा क्वांटिटी बाय कर सकते हो। और जब नीचे आएगा डिप मारेगा तो आप 50% क्वांटिटी और उसमें ऐड कर सकते हो, और आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा इसमें, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा जो 46 का जो लेवल है, ये वाला जो स्विंग लो लगाया हुआ है, ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस। ये वाला जो है आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ, ये वाला यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस पॉइंट क्या है, ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस। ये सेल पॉइंट मैं इसमें मार्क कर देता हूँ, ये सेल पॉइंट है आपका ये वाला। यहाँ पे अगर आता है तो आपको एक निकल जाना है, और मैं यहाँ पे तारीख भी लिख देता हूँ ताकि आने वाले टाइम में हम इसे एनालाइज कब किया था हमने, ये वीडियो कब बनाया था इसका हम देख सके कि हमने ये वीडियो कब बनाया था। तो देखिए मैंने यहाँ पे तारीख भी ऐड कर दी है कि हमने ये कब बनाया हुआ है, ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो जब भी हम बाद में जब ये स्टॉक भागेगा, देखिए बाद में जो है न्यूज़ चैनल्स वगैरह जब न्यूज़ आती है तो कब आती है, ब्रेकआउट होने के बाद में आती है, जब मार्केट ये जो स्टॉक्स होता है कोई भी तो वो अपने टॉप पे चल रहा होता है, तब आप लोग वहाँ पे बाय कर लेते हो और वहाँ पे फंस जाते हो, क्योंकि वहाँ से मार्केट फिर रिट्रेस करता है, तो आप सोचते हो यार हमने तो अच्छी ब्रेकआउट के बाद बाय किया था तो अब हम फंस गए हैं, अब हम यहाँ पे नीचे लॉस हमें दिखा रहा है शेयर। तो कोशिश कीजिए कि रिट्रेसमेंट पे जब आता है तो बाय करने की कोशिश कीजिए, तो आपको उसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और आप डरेंगे नहीं उसमें रुकने के लिए। तो ये एक कहीं ना कहीं इसका जो ये BCL जो शेयर है, इसका अगर आप जानते होंगे ये कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स जो बनाती है, फूड कंपनी है, तो ये काफ़ी अच्छा हमें ये 2024 में जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा ऐसी उम्मीद है, जो कि हमें चार्ट पे दिख रहा है। मैं मोस्टली जो है चार्ट रीडिंग पे, चार्ट जो है चार्ट का एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पे मुझे चार्ट रीडिंग ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है फंडामेंटल से ज़्यादा। फंडामेंटल्स जो है आपको सिर्फ जो शेयर है उसका स्ट्रेंथ बताएगा, लेकिन आपको बाइंग और सेलिंग जो है वो आपको चार्ट ही बताएगा, जो कि मैं एनालिसिस जो करता हूँ, तो मेरा एनालिसिस जो है, मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, तो मैं प्राइस रीड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ फंडामेंटल से ज़्यादा, क्योंकि चार्ट मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है। फंडामेंटल्स तो ठीक है, रीड करके भी आप देख सकते हो कि उसमें क्या है, कितना स्ट्रेंथ है इसमें स्टॉक में, लेकिन फंडामेंटल्स आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको कौन से पॉइंट पे बाय करना है, कौन से पॉइंट पे बाय करना है ये आपको चार्ट ही बताएगा। तो यहाँ पे जो है मुझे ये वाले जो पॉइंट्स मैंने आपको लेवल्स मार्क किए हुए हैं, ये आप देख सकते हो बाइंग लेवल्स है, और जिसका स्टॉप लॉस आपका 45 का बनेगा, इससे भी थोड़ा सा 1 रुपया 2 रुपया नीचे रख सकते हो आप बफर। तो ये सबसे सेफेस्ट जो है ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा, और ये जो बाइंग लेवल है मैंने दिया हुआ है, आप इसे जहाँ पे अभी चल रहा है 75 रुपीज़ पे भी बाय कर सकते हो थोड़ी क्वांटिटी, और जब डिप आएगा तो भी आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं मल्टीबैगर बन सकता है आने वाले कुछ सालों में, जहाँ तक चार्ट दिख रहा है ये अभी तक हायर हाई फॉर्मेशन ही बना रहा है, जब से ये स्टॉक लॉन्च हुआ था, इसका IPO जब लॉन्च हुआ तब से लेके आज तक अगर देखेंगे हम, मंथली कैंडल भी अगर लगाएंगे तो ये जो है हायर हाई अपना बनाते हुए चल रहा है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन माना जाए जाता है कि कोई स्टॉक है जो अपना पिछला हाई जो लो जो है लो, इसने अभी तक कोई भी लो ब्रेक नहीं किया है, तो एक कहीं ना कहीं
अच्छा खासा रिटर्न्स देने वाला स्टॉक मुझे लग रहा है, तो इसे आप लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से भी होल्ड कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी स्टॉक में, तो ये कहीं ना कहीं मुझे अच्छा स्टॉक दिख रहा है। और डिस्क्लेमर दे दूँ मैं कि ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक एनालिसिस है जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, किसी भी आपके फाइनेंशियल एज एडवाइज़र जो है उनसे आप सलाह करके ही कोई स्टॉक बाय या सेल कर सकते हो। तो ये था मेरा BCL इंडस्ट्रीज़ का एनालिसिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और एनालिसिस अच्छा लगा, मेरे लेवल्स आपको अच्छे लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ पे जो आपको ये QR कोड दिख रहा है, इसे आप मोबाइल से स्कैन करके उससे जुड़ सकते हो। क्योंकि मेरे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें जो लिंक डालते हैं तो वो अभी तक क्लिकेबल नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला तरीका निकाला हुआ है कि आप इसे QR कोड को स्कैन अपने मोबाइल से स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल से, ये मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इससे आप जुड़ सकते हो। यहाँ पे हम डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसे जुड़ने के लिए जो है आप इस QR कोड को स्कैन करके आप मोबाइल से जुड़ सकते हो। तो यहाँ पे हम कुछ श्योर शॉट लेवल्स जो होते हैं, इंटरडे स्टॉक्स भी होते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे, हमने आरती इंडस्ट्रीज जो दिया था जिसने लगभग, आप देखेंगे तो मैंने 643 के लेवल से सेलिंग का दिया था, तो जिसने 62 का लो लगाया हुआ है, ये वाला चार्ट देख सकते हो, ये मैंने लेवल दिया था लाइव मार्केट में। 643 के नीचे मैंने सेलिंग का दिया था लेवल, तो उसने 622 का लो लगाया हुआ है। और ये वाला जो देखेंगे आप, निफ्टी के कॉल्स मैंने दिए थे, तो वो भी श्योर शॉर्ट कॉल्स हम देते हैं, लेवल्स हम प्रोवाइड करते हैं लाइव मार्केट में। लेकिन ये सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। ये सिर्फ मैं अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ जो कि आप लोग सीख सकते हो उससे कुछ। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही धमाकेदार और कुछ बहुत ही तगड़े रिटर्न देने वाले जो शेयर हैं, मैं उनका एनालिसिस वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो, टीम गोल्डन बुल्स से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।